शनिवार को जिला परिवहन कार्यालय में एक कंप्यूटरीकृत ड्राइविंग लाइसेंस टेस्टिंग ट्रैक पर ड्राइविंग टेस्ट देने के लिए अभी और इंतजार करना होगा। ट्रैक के ऑटोमेशन कार्य पूर्ण नहीं होने के कारण अब तक कार्यालय में ट्रैक पर ड्राइविंग टेस्ट शुरू नहीं हो पाया है। हालांकि ट्रैक पर सिविल वर्क पूर्ण हो चुका है, परंतु ऑटोमेशन कार्य अभी भी अधूरा पड़ा हुआ है। परिवहन विभाग के अधिकारियों की माने तो 1-2 माह में ट्रैक के ऑटोमेशन का कार्य पूर्ण कर इसका संचालन शुरू कर दिया जाएगा, जिसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस के आने वाले आवेदकों को ऑटोमेटिक ट्रैक पर गाड़ी चलाने का टेस्ट पास करने के बाद ही लाइसेंस जारी किया जाएगा। परिवहन कार्यालय में लगभग 1,60,00,000 की लागत से ड्राइविंग ट्रैक का निर्माण करवाया जा रहा है। ट्रैक पर 4 अलग-अलग प्रकार के ड्राइविंग टेस्ट पास करने होंगे। परिवहन मंत्रालय द्वारा मोटर व्हीकल अधिनियम के तहत लर्निंग लाइसेंस धारी को चालक अनुज्ञा पत्र जारी करने के लिए प्रत्येक जिला परिवहन कार्यालय पर एक अत्याधुनिक ट्रैक बनाने का निर्णय लिया गया था। उसी के तहत ही ब्यावर के जिला परिवहन कार्यालय में उक्त ट्रैक का निर्माण करवाया जा रहा है। परिवहन कार्यालय परिसर में मौजूद यह ट्रैक कई खासियत भरा होगा। उसमें उबड़ खाबड़ रोड, गहरे घुमावदार मोड़ तथा सड़क पर उतार चढ़ाव दिया जाएगा। उक्त ट्रैक को पार करने पर चालक को वास्तविक रूप से रोड पर गाड़ी चला रहा हो वैसा एहसास होगा। ब्यावर के जिला परिवहन कार्यालय परिसर में बनने वाले उक्त ट्रैक पर करीब 1,60,00,000 रुपए व्यय होंगे। इसमें दोपहिया वाहनों के लिए भी एक अलग से ट्रैक का निर्माण किया जाएगा।